यूनुस खान हमारे साथ हैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें। रीज़न ये था कि जी हमारी ट्रैवलिंग सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग है, इंडिया से अराउंड हमारी 6 बजे के करीब इंडियन टाइम पे, सो उस दिन पॉसिबल नहीं था कि हम यूनुस भाई से इंटरेक्ट करवा सकते हैं आप लोगों का, तो आज का टाइम आप फ्री था, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने आप लोगों से कर सकूं। पहले मैं यूनुस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, यूनुस भाई प्लीज आप जरा ओपनिंग स्टेटमेंट, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे आपने लोगों को देखा परफॉर्मेंस पे, आप थोड़ा बता दें, और देन आप क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ प्लीज जाएं। थैंक यू। थैंक यू रजा भाई, ये मेरा ओपन स्टेटमेंट है जी। जैसे मेरा सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हमें आए हुए, और इट वाज नॉट इजी के जो आप ऑलमोस्ट ये कहेंगे डे एंड नाइट हमने यहाँ पे क्रिकेट के लिए सोचा, क्रिकेट के लिए प्रैक्टिसेस की, और कुछ था भी नहीं यहाँ करने को, तो एटलीस्ट ये था मेरे लिए बड़ा, मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैंने बहुत कुछ लर्न किया प्लेयर्स के साथ, खास तौर पर बैट्समैन के साथ बहुत सारा काम किया, ना चाहते हुए बाजूगत में स्पिनर्स के साथ भी, फास्ट बॉलर के साथ भी मैंने काम किया, और क्योंकि मेरे सारे कुलीग्स रहे हैं और जितने भी मैं अपने फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को ले लूं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। मैंने अपने आइडियाज़ को शेयर किया एज ए कैप्टन, जब मैं इस टीम को लीड करता था और स्लिप में खड़ा होता था, तो मैंने अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर किए, और अच्छी बात ये थी कि मैंने एक अच्छी बात ये देखी कि इन सब प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो के, क्योंकि इजी नहीं था इनके लिए, आपने हर दिन क्रिकेट ही खेलनी है, ना आप बाहर जा सकते हो और यहीं पे आपका सब कुछ था, तो काफी लड़कों ने जो हमने इनसे बात शेयर की है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उन्होंने सुनी और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की है। अगर मैं पॉजिटिव देखूँ बैट्समैन की, उसमें तो कुछ इनिंग्स मुझे नजर आई है, जैसे शान मसूद की पहले टेस्ट मैच में एक बड़ी जबरदस्त इनिंग थी, और जो मैं चाहता था कि जो भी हमारे प्लेयर्स जब बैट्समैन बैटिंग करें तो वो एक लंबी इनिंग्स खेलें। उसके बाद अजहर अली की अगर मैं टेस्ट मैच की आखिरी टेस्ट मैच की बात करूं, तो वहां पे उनकी वो काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन हमने उनके साथ जब काम किया, कन्विंस किया, और वो जब डिलीवर किया तो खुशी हम सब आपके सामने थी, हम सब की खुशी थी। उसके बाद बाबर आजम की अगर हम बैटिंग की बात करें, तो दो की उनकी तरफ से कोई इतनी बड़ी इनिंग नहीं है, लेकिन वो हमने देखा कि उनके 50s और 60s वहाँ मौजूद थे। उसके बाद जो सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे लगी, जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, कि मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस, वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, बड़े एक अरसे बाद किसी कीपर बैट्समैन ने आके यहाँ परफॉर्म किया, और बड़ी खुशी होती है जब ऐसे प्लेयर्स जो यंगस्टर जो जिनके साथ आप डे एंड नाइट काम करते हो, और जो कि आपके अंडर बिल्कुल आप कह सकते हैं परवान चढ़ रहे हो, तो वो जब परफॉर्म करते हैं बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद दो के वो रिजल्ट हमारी तरफ नहीं आया, लेकिन जिस तरह हमने पहले दो टेस्ट मैचेस खेले, वो उसमें अगर थोड़ा सा तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वहाँ वो रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ सका। उसके बाद जब T20 शुरू हुआ, तो उसमें भी अगर मैं कल के T20 की बात करूँ, तो बड़ा अच्छा हमने खेला। जो अगर हम पहले सेशन की बात करें, दो के मुझे लगा कि वहां अगर हम 10 से 15 रन शॉर्ट थे, हम अगर वो कर सकते या इससे अच्छा टोटल अगर हम करते, तो शायद और प्रेशर इंडिया टीम इंग्लैंड पे जाता और हमारी तरफ ये मैच आ सकता था। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव देखूं, तो दो के रिजल्ट हमारी तरफ पॉजिटिव नहीं आया अभी तक, लेकिन एटलीस्ट जो हमने मेहनत की, तो उसमें हमें पॉजिटिव काफी नजर आ रहे। जी प्लीज, अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले शाहिद हाशमी, मोहित शाह, ऋषि शुकूर एंड उमर कौलसन। जी शाहिद भाई, आपको आवाज आ रही है? दोबारा कनेक्ट कर ले। नेक्स्ट जी बिलीज मोहित शाह एंड देन ऋषि शुकूर साहब। जी रजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। यूनुस खान से मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि
टारगेट सेट किया आप समझते थे ये टारगेट विनिंग टारगेट था और पिच इतनी इजी थी कि मेरा ख्याल है 220-225 तक बनाया जा सकता था, तो हमने मिस कैलकुलेट तो नहीं किया, हमने ऐसा तो नहीं किया कि कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हमें हो गया? थैंक यू। बिल्कुल अब्दुल भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे मैंने पहले भी अपने ओपन स्टेटमेंट में ये बात जिक्र किया कि ये टारगेट हम यहाँ से बेहतर कर सकते थे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये होता है जब आपका एक मोमेंटम आपका सेट हुआ हुआ है तो उसके मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उससे एज अ लीडर एज अ बैट्समैन कि उसके उससे पहले फिनिश ना करें। हो सकता है बाज़ बात अगर हम उनके स्टैट उस ग्राउंड के उस पिच के निकालें तो हो सकता है कि उसके स्टैट बाज़ बात कम होते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कल हमने थोड़ा सा जो हमारा टारगेट था उससे बेहतर हो सकता था, क्योंकि जहां जब आपके पास प्रेशर के लिए मौका हो दूसरी टीम को तो अंडर प्रेशर करें, और क्या ही अच्छा होता कि हम 200 प्लस रन यहां पे करते हैं और अच्छा टारगेट होता टीम इंग्लैंड के लिए हो जाओ, क्योंकि मेन यही है जब आपकी प्लेयर्स अंडर प्रेशर आते हैं टीम अंडर प्रेशर आती है तो तभी मिस्टेक्स होती है। तो इंग्लैंड की बैटिंग का एक अच्छी बात थी कि वो थ्रू आउट जो है वो प्रेशर उन्होंने हमारे बॉलर्स पर रखा, और जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो आपसे मिस्टेक होती है। जी शायद हाशमी देन ऋषि शकूर। आई थिंक शायद भाई के कोई माइक का इशू है। जी ऋषि शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम शुक्र। यूनुस, जब हम आप कहते हैं कि काफी पॉजिटिव्स हैं इस सीरीज में और सब चीजें हैं, अगर हम इंडिविजुअल आपने गिनवाई 2-3 जो इनिंग्स हैं, मतलब शान मसूद की है, तो पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर की यूनुस आवाज आ रही है। मेरा ये सवाल था कि जब हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या आपको इशू नजर आता है कि 75-76 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं आसिफ शफीक और अभी तक ऐसा लगता है कि वो मतलब किसी दबाव प्रेशर या एक अनजाने से खौफ में अपने सर्वाइवल को मतलब देखते हुए खेल रहे हैं, तो क्या क्या रीजन देखते हैं आसिफ शफीक की परफॉर्मेंस में मसला है क्या आपके ख्याल में? देख रशीद भाई, अगर मैं आप 70-80 के मैचेस की बात करें तो मैं यही यूनुस खान थे जो कि 100 टेस्ट मैचेस प्लस खेले हुए थे और वो लास्ट सीरीज जो मैं खेला यहाँ मैं अंडर प्रेशर था, मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा था और सडनली वो एक इनिंग आई ओवल में और सब कुछ चेंज हो गया। तो मेरे ख्याल से असद शफीक के पास वो इनिंग आई थी बीच में, अगर हम टेस्ट मैच पहले टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग की बात करें तो बहुत अच्छा खेले थे और सडनली वो रन आउट हो गए। तो बाज़ुकात होता है इसी तरह के, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं और आपकी फॉर्म नहीं होती तो वो एक इनिंग होती है जो कि आप आके खेलते हैं और आपकी फॉर्म लग जाती है। इसी तरह जैसे अज़हर अली की थ्रू आउट सीरीज में फॉर्म नहीं थी, दो के अगर हम देखें तो एक टेस्ट मैच में अगर वो मैच पूरा होता तो क्या ये अच्छा होता कि बैट्समैन की और बैटिंग आती है वहां पे, और सडनली अब अज़हर अली की अगर हम बात करें तो वो आज हमें लग रहे हैं कि वो ही इज अ इनफॉर्म प्लेयर। तो असद के साथ भी यही हुआ, असद शफीक के साथ भी यही हुआ कि उनकी वो इनिंग्स आई एक दो दफा लेकिन वो उनको कैश नहीं कर सके। तो एग्जैक्टली इसी तरह है। और जहां तक उनकी उनकी टेक्निक की बात है, टैक्टिक्स की बात है, तो जब आपकी जब आप अंडर परफॉर्म होते हो या अंडर प्रेशर होते हो तो आपकी बहुत सी चीजें सामने नजर आती है। मैंने बहुत कोशिश की असद के साथ, उनको मैं आइडेंटिफाई कराऊं उनकी वो वीक एरियाज और उन पे काम करूं, और आप बाज़ुकात काम करते भी हो, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ऑन टूर पे बाज़ुकात मुश्किल हो जाता है कि आप बैट्समैन की टेक्निक की बात करो और उसको चेंज करने की कोशिश करो। तो टैक्टिक्स तो आप चेंज कर सकते हो कि आप जैसे हमने अज़हर अली के साथ किया, लेकिन बाज़ुकात टेक्निक चेंज करना ऑन टूर पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई होप कि मुझे अगर दोबारा कभी मौका मिले इनके साथ, इन प्लेयर्स के साथ, तो मैं इनकी टेक्निक पे और ज्यादा काम कर सकूं, और मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि ये परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए और ज्यादा पाकिस्तान के लिए सर्व करें पाकिस्तान को। जी मैं करूं कि शायद भाई अवेलेबल है? जी जी शायद भाई आपकी आवाज आ रही है। चलो आई थिंक नहीं आ रही तो मैं कर लेता हूं सवाल। यूनुस भाई, जाहिर अभी आपने खुद बात करते हुए बोला कि ऑन टूर जाहिर आपका पहला स्टैंड था, पहली अपॉर्चुनिटी मिली आपको और अगले एक दो दिन में खत्म भी हो जाएगी अपॉर्चुनिटी। ये तो आपको खुद एंजॉय किया आपने इस चीज को, आपने अपने आप को एवेल्युएट किया कि क्या आप ये रोल प्ले कर सकते हैं फ्यूचर में भी अपने पाकिस्तान के साथ?
बिल्कुल उमर, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने बहुत कुछ लर्न किया और मैंने एक चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की इस टूर पे, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो टेस्ट स्क्वाड भी था, उसके बाद G20 स्क्वाड भी था हमारे पास, और प्लेयर अगर हम ऑल टुगेदर मैं काउंट करूँ तो 20+ हमारे पास प्लेयर्स थे। तो उसके लिए मैंने एक चीज तो मैंने ये सीखी है कि आपको और ज्यादा फिट होना चाहिए। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी फिटनेस और ज्यादा इम्प्रूव करूँ, क्योंकि बगैर फिटनेस के सिर्फ जो कहते हैं ना बाजू का, आप मेंटोरिंग करके कोचिंग करें तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने ये लर्न किया है कि आपको अपनी अपने अगर आपको इतने प्लेयर्स के साथ काम करना है तो अपनी फिटनेस भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करनी है, और डेली बेसिस पे अपने आपको अपग्रेड और अपडेट भी करना है। क्योंकि अगर आपको प्लेयर को कन्विंस करना है तो आपके पास वो आई होनी चाहिए, वो स्किल्स होने चाहिए कि जब आप उनको कन्विंस कर सके, और आप जब भी उनकी कोई वीक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले वो आपको नजर आए। जब वो आपको नजर आएंगे तब ही उस पर आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें मैंने लर्न की। दो के मैं कोचिंग में नया नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर अपनी थोड़ा सा पास देखूँ तो 3-4 साल मैंने पेशावर जलमी के साथ, क्योंकि मैं उनका मेंटोर होता था, लेकिन मैं वहां पे उनको जाके बैट्समैन के साथ भी काम करता था, उसके बाद मैं बॉलर के साथ भी काम करता था, इवन फील्डिंग्स के शोबे में भी काम करता। आपने यहाँ भी देखा होगा कि मैं बहुत ज्यादा फील्डिंग में भी अपने प्लेयर्स को सर्व कर रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मैंने ये मैंने सीखा कि मॉडर्न डे की जो कोचिंग है उसमें 1-to-1 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1-to-1 सेशन आप तभी कर सकते हैं कि आप मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे आप फिट हो। तो मैंने ये चीज सीखी इस टूर पे कि आपको अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोच। तो आप कैरी ऑन करना चाहेंगे फिर आगे? देखिए अभी तो मेरा ये 2 दिन रह गए, ये खत्म होंगे, उसके बाद अगर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, मेरे सामने आई, तो मैं जरूर उसको कैरी ऑन करना चाहूंगा। क्योंकि जैसे हम सब ने कहा और हम सब चाहते हैं कि क्या कि अगर हमारी वजह से पाकिस्तान की बेटरमेंट हो, और आपने जो चीज सारी उम्र भर की हो, क्योंकि इसके अलावा तो हम और कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैंने बार बार कहा कि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जिस पे मैं काम कर सकूँ तो मैं इंशाल्लाह जरूर करना चाहूंगा। ओके जी, नेक्स्ट प्लीज यूसुफ फैजान लखानी, साजिद प्लीज। भाई कैसे देखते हैं कि जो एक तो क्वाद थी T20 में, जिस तरह 196 हमने किया, तो समझते हैं कि जो हमारे यंगस्टर आ रहे हैं मजीद इनको मौका मिलना अगर मिलेगा तो ये मजीद टेस्ट मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करने के काबिल होंगे। और क्या आप ये भी समझते हैं कि हमारे जो जिस तरह की दूसरी टीमों में वो सारे टेस्ट मैचेस को ज़्यादा बॉलर्स तरजीह देते हैं, जबकि हमारे यहाँ लोगों ने ये समझ दिया कि लीग क्रिकेट ही पाकिस्तान का नाम है। तो जो वहाबिया जिस तरह उन्होंने पुट किया, मोहम्मद आमर ने टेस्ट क्रिकेट पुट किया, आप समझते हैं कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास वगैरह को सिर्फ तीनों फॉर्मेट के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए? जी यूसुफ भाई, आपने एग्जैक्टली खुद ही मेरा जो आपका आंसर क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिया। क्योंकि देखिए मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्गर फॉर्मेट जरूर खेलें, क्योंकि टेस्ट तभी आप टेस्ट उसको इसलिए कहते हैं कि आपकी स्किल्स का टेस्ट है, आपकी नर्व का टेस्ट है, और आपकी वर्थ एथिक्स का टेस्ट है। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी दो महीने के टूर पे मैंने जितनी जिन जिन बैट्समैन के साथ मैंने काम किया, प्लेयर्स के साथ काम किया, मैंने उनको यही सजेशन दिया कि आप जहां भी क्रिकेट खेलने जाओ, जहां भी खेलो, खासतौर पर जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका खेलने के लिए जाते हैं, इंग्लैंड आते हैं, तो सिर्फ T20 ही की लीग्स ना खेला करें। क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये एक लाइफ है, ये लाइफ सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ही समझते थे कि हम जाएंगे T20 खेलेंगे या वन डे खेलेंगे तो इसमें दो के उसमें बहुत चार्म है, आपको बहुत ज्यादा कम टाइम पे बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ सीखें। जब आप टेस्ट मैच देखते हैं तो हर सेशन एक लाइफ है आपकी, कि आपकी डे नाइट की तरह लाइफ आपकी अप एंड डाउन होते हैं। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मैं अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं जो प्लेयर्स भी हमारे लीग्स खेलने जाएं
तो मैं उनको ये बावर कराऊं, मैं उनको पाबंद करूं कि वो जाके जरूर जरूर लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट वहां खेलें, क्योंकि जब हम मैं खुद काउंटी क्रिकेट यहां खेलने आया हूं, और मैं खास तौर पर जब मैं ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट क्लास खेलने के गया हूं 2008-2009 में, तो मेरी टोटली मेंटालिटी चेंज होगी, मेरी वर्क एथिक चेंज होगी, क्योंकि मुख्तलिफ कोचेस के साथ काम करती हूँ, और जो छोटी लीग्स होती हैं उसमें आपके पास काम करने के लिए कुछ होता नहीं है, आप जाते हो मैच खेलते हो ट्रैवल करते हो मैच खेलते हो ट्रैवल करते हो, लेकिन जब आप लॉन्गर वर्जन खेलते हैं उसमें बहुत ज्यादा सीखने को, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम इन प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को गाइड अच्छा करें और इनको लॉन्गर वर्जन खेलने के लिए पाबंद करें, और जो जो प्लेयर्स जा रहे हैं खेलने के लिए, अगर आप, अगर मैं अपनी मिसाल लूं तो जिस वक्त 2009 में मैंने जब पाकिस्तान ने और मेरी कैप्टनसी में पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीता, तो मैं वाइट प्लेयर था जो कि वर्ल्ड T20 से रिटायर हुआ, T20 उसने वहां खेलने छोड़ी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे टेस्ट क्रिकेट और ज्यादा खेलने चाहिए और वन डे इंटरनेशनल ज्यादा खेलना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन यंगस्टर को आप गाइड करें और इनको पाबंद करें, इनको बावर कराएं, इनको कन्विंस करें कि ये अपने मुल्क के लिए लॉन्गर वर्जन की जरूरत है। जी फैजान। क्या रजा, अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, पूछता ये था कि आपने बात की कि अजहर को आपने कन्विंस किया और आखिरी इनिंग में माशाल्लाह उसने आके बड़ा स्कोर किया, तो आपको क्या लगता है कि अजहर पहले क्या गलतियां कर रहे थे और बाद क्या इम्प्रूवमेंट आई, थोड़ा सा वो प्रोसेस बताएं, क्योंकि आप भी स्ट्रगल करते 2016 में और आपको फिर दूसरे अजहर दिन कॉल करके आपको थोड़ा सा समझा दे क्या क्या करना है, तो पहले एक अजहर से सुनना फिर दूसरे अजहर को समझाना, ये जी बिल्कुल फैजान, आपने बहुत जबरदस्त इसको मर्ज किया, मेरे साथ देख ले यही हुआ, मुझे कॉल आई तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की और मैं गाइड हो गया। मैंने जैसे पहले कहा कि कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेयर को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, खुद ही मैंने कहा कि ऑन टूर उनकी टेक्निक आप चेंज नहीं कर सकते, मैंने कुछ भी खास नहीं किया, मैंने सिंपल ये किया कि मैंने उनके टॉप हैंड पे काम किया, और जब वो टॉप हैंड पे जो बैट्स जो राइट हैंड का बैट्समैन का जो लेफ्ट हैंड होता है उसको टॉप हैंड कहते हैं, मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया, और मुझे लगा, मैंने उनकी वीडियो बहुत क्लोजली वॉच की, उनके पास की वीडियोस देखी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अच्छा टाइम था कि हमारे पास कुछ करने को था ही नहीं, तो मैं बिजी रहा इन चीजों में, मैं वीडियोस मैंने उनकी पास की देखी, फिर रिसेंट पास की देखी, और फिर करंट बिल्कुल देखी जो मैचेस खेले, तो मैंने उससे उनको टॉप हैंड पे काम किया कि उनके गेम में सिर्फ टॉप हैंड मिला है, तो टॉप हैंड के आने से उनका वही बैट जो जब उनको मिडल एंड लेग पे बॉल पिच होता था, तो वो क्योंकि बाजू का नर्वस होते थे कि मेरी पैड्स पे बॉल ना लगे, तो उनका जो नीचे वाला हाथ है जो बॉटम हैंड जिसको हम कहते हैं, जो कि डोमिनेट करता है बाजू का लेग साइड के साइड की शॉट्स पे, तो वो उनका डोमिनेट कर रहा था, मैंने बड़ा सिंपल किया, मैंने उनके टॉप हैंड पे काम किया, और टॉप हैंड के आने से उनके गेम में आने की उनके बैटिंग में आने की वजह से वो बैट उनका सीधा लगना वो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो उनकी कोई टेक्निक चेंज नहीं हुई, उनकी कोई बैटिंग में पोजीशन चेंज नहीं हुई, उनका कोई हेड चेंज नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट जब टॉप हैंड आया तो उनका वही बैट जो बंद होता था जो कि हम अपने उसमें बाजूकात कहते हैं कि बैट बंद हो जाता है, तो वो टॉप हैंड के आने से वो बैट उनका सीधा जाने लगा, और वही बॉल जो कि उनके पैड पर लगती थी उनके बैट पर लगने लगी, और सडनली वो उनकी परफॉर्मेंस देखिए, मैं ये नहीं कर रहा, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने कन्विंस हो गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लेयर आप पे ट्रस्ट करे और आप उसको कन्विंस अच्छा कर सको। जी शायद ये आपको आवाज आ रही है तो प्लीज आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। नहीं शायद भी आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। जी सहज आप प्लीज क्वेश्चन करिए। यूनुस भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यूनुस भाई, बाबर आजम की बात करनी थी, काफी इनएक्सपीरियंस कैप्टन है अब, ग्रेट प्लेयर माशाल्लाह, लेकिन आप भी एज ए फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, आपको क्या एडवाइस देंगे बाबर को? ड्रेसिंग रूम से भी काफी एडवाइस आ रही थी माशाल्लाह, वहाँ एक काफी लेजेंड्स बैठे थे और ऑन द फील्ड भी एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज भी ऑन द फील्ड,
काफी कंफ्यूज लग रहा था एट टाइम्स बाबर, आप क्या एडवाइस देंगे बाबर को एज अ कैप्टन यूनुस भाई? जी साज भाई, मैं बिल्कुल भी ये कहूंगा कि देखिए अगर हम बाबर आजम को देख लें तो काफी अरसे से हमारे T20 और के हमारे कैप्टन है और वनडे के भी हमारे कैप्टन है, तो काफी अरसे से वो कैप्टनसी कर रहे हैं। बाजुकात बिल्कुल कैप्टन के लिए बाजुकात मुश्किल भी हो जाता है कि आपके पास इतने सपोर्टिंग स्टाफ में आपके पास जब आपके पास सजेशन आ रही होती है, इवन ऑन फील्ड भी आपके पास सजेशन बाजुकात आ रही है, लेकिन ये लेकिन इसमें एक अच्छी बात होती है कि जितने भी सजेशन चाहे आउट फील्ड से आ रही है, इन फील्ड से आ रही है, वो बैटरमैन के ही लिए होती है। तो मैं तो बड़ा सिंपल उनको एक सजेशन जो मैं उनको देता हूँ, जब भी मेरी उनसे वन टू वन जब उनसे मेरी डिस्कशन होती है अबाउट लीडरशिप, क्योंकि मैं खुद भी अगर मैं अपने पास की कैप्टनसी देख लूँ तो मेरे भी इर्द गिर्द 4-5-6 कैप्टन होते थे उस वक्त, लेकिन मैं उनसे यही बात उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो इनिशिएटिव लें, वो खुद अपने डिसीजन लेना सीखें, और वो लेते भी हैं, लेकिन बाद में हमें लग रहा होता है कि शायद ड्रेसिंग रूम से बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं या ऑन फील्ड कर रहे हो, लेकिन जब आपको जब आप लीडर होते हो तो बाजुकात आपको अपने डिसीजन खुद करने होते हैं, और अगर आपने उनके इंटेंशन आपकी अच्छी हो और आप कहते हैं ना कि सच्चे दिल से करते हो तो बाजुकात आपके गलत डिसीजन भी वो चेंज हो जाते हैं। हमने पास में देखा, मैंने एज अ कैप्टन एज अ लीडर बहुत सारे मिस्टेक्स की अपनी लाइफ में, खासतौर पर कैप्टनसी को लेके जब मैं कैप्टन होता था, लेकिन इंटेंशन उसकी उसमें बेहतर होती थी, तो बाजुकात वो गलत फैसले भी आपके जो है ना सीधे हो जाते हैं। तो मैं उनके मेरे यही सजेशन होती है कि वो एज अ लीडर अपने डिसीजन जरूर जरूर लेने की कोशिश करें, वो चाहे वो डरे ना बाजुकर, अगर गलत भी होते तो आप यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, तो मेरी तो यही सजेशन होती है। जी प्लीज कादिर ख्वाजा, सवेरा एंड नादरा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। जी वालेकुम अस्सलाम यूनुस भाई। प्रोफेसर तो मोहम्मद हफीज को कहा जाता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आपको डग आउट में जो है वो डायरी पकड़े लिख रहे होते हैं कुछ, तो इस डायरी में आप क्या लिखते हैं? और दूसरी बात, जो कल आपने हैट्स ऑफ का इशारा किया, वो काफी फेमस हुआ है आजकल सोशल मीडिया। नहीं वो बिल्कुल भी, मेरी डायरी को लेके बहुत ज्यादा चर्चे हुए हैं, और मैं तो बिल्कुल कार्टून नहीं बनाता हूँ, मैं तो बिल्कुल स्कोरिंग नहीं करता हूँ। ये कभी अगर आपसे वन टू वन में मिलूं, ये मेरा सीक्रेट था, मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने मेरे उस पर बातें की तो अच्छा भी है, क्योंकि देखें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये ऐसी चीजें होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि मैं अपने आप को ये सिर्फ मैं बिल्कुल ऑनेस्टली तौर पर कहूंगा, मैं ये सिर्फ अपने आप को बिजी रखने के लिए ये चीजें कर रहा होता हूँ। उसकी वजह होती है कि बाजुकात हम इंसान है, भूल भी जाते हैं कुछ बातें, छोटी छोटी बातें मैं बाजुकात लिख भी लेता हूँ। मैंने ये रिसेंट पार्ट, जैसे मैंने पहले भी आपसे टूर से आने से पहले मैंने ये बात शेयर की थी कि मैं टोटल चेंज, अब मैं अपने आप को वो यूनुस खान नहीं समझता हूँ जो कि पाकिस्तान के लिए को रिप्रेजेंट करते थे और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, अब मैं बिल्कुल, आपने मुझे देखा होगा 2 महीने में मैं बिल्कुल काम होकर बैठा होता हूँ, अपने बाल बाल बना के, अपनी कॉफी लेके, बाजुकात अपनी चीजें नीचे रखी छुपा के खा भी रहा होता हूँ, और मैं बाजुकात ना चाहते हुए भी मुझे खुशी होती है जिन प्लेयर के साथ मैं काम करूं, मोहम्मद हफीज के साथ आप यकीन करें 2 महीने में डे नाइट मैं उनके साथ काम करता रहा, और उनके जब वो गोल्फ भी खेलते थे तो मैं उनकी स्विंग पे भी बाजुकात बात कर रहा होता था, जब वो सुबह सुबह 8 बजे आके 7 बजे आके वो गोल्फ खेल रहे होते थे बाजुकात ग्राउंड में, जहां जहां मैं अलाउ था, तो मैं आके अपने वहां बैठ के वहां से उनको जो है ना आवाजें लगा रहा होता था, क्योंकि मुझे पता था कि मोहम्मद हफीज के साथ अगर मैंने दोस्ती करनी है तो मुझे उनके लिए आना पड़ेगा। और फिर जब इस तरह मोहम्मद हफीज खुश होके रंस करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं फिर उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ ताकि उनको ये फील हो, इन प्लेयर्स को फील हो। और आपने देखा भी कि एक दिन मैं यासिर शाह के साथ जप्पी डाल के बैठा हुआ था और उसके बाल बना रहा था, तो ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा यही काम मेरे साथ बॉब वुलमर करते थे, ही वाज लाइक अ फादर फिगर मेरे लिए थे, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं दो के लड़के मेरे साथ ये प्लेयर जो है मेरे कुलीग रहे हैं, और मैं रिसेंट पास में इनके साथ में बहुत ज्यादा मैंने अपनी अच्छी और टेस्टिंग टाइम शेयर किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनका फादर फिगर मिलूं, मैं उनकी हेल्प कर सकूं, चाहे वो बाल बनाने में हो, चाहे उनकी बैटिंग टेक्निक में, इवन की लाइफ में भी, कि उनको अपनी लाइफ कैसे कैरी करूं। मैं समझता हूं कि मैं एक अगर मैं एज अ बैटिंग कंसल्टेंट हूं तो सिर्फ मेरा काम ही नहीं कि मैं बैटिंग तो बहुत छोटी सी एक लाइफ का हिस्सा है, ये लाइफ, ये जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग जो इंसान अगर हमने देखे, अपने पैगंबरों को देखा, हमारे ग्रेट लोगों को देखा, कि जिनकी लाइफ ऑर्गेनाइज है, जो कि स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स इसी तरह बनते हैं,
उनकी उनकी प्रोफेशनल भी उनको फायदा होता है. तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं इनको ये फीड कर सकूं और मैं उनके लिए खुशी का इजहार भी कर सकूं. क्योंकि बाजूगर हम ये देख रहे होते हैं कि जब प्लेयर नहीं करते तो हम बहुत ज्यादा टेंस में होते हैं और बहुत प्लेयरों पे बात हार्ड टाइम भी दर्द. जब वो प्लेयर करते तो हमें खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए. इसी तरह अगर पाकिस्तान टीम अगर आज जीतती है, वर्ल्ड चैंपियन बनती है, तो हम सब क्यों खुशी को इजहार नहीं करते. लेकिन जब हमारी कोई टीमें हारती हैं तो हम गुस्से का इजहार तो बहुत ज्यादा करते हैं, तो हम खुशी का इजहार भी करते. तो मैं चाहता हूं कि मैं वो खुशी का इजहार भी बिल्कुल दिल खोल के करूं के लिए. जी सवेरा दिन नादरा. अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई. मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जब T20 की हम बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, टीम जो उतरी खेलने के लिए उसकी बात करते हैं, तो मुझे थॉट प्रोसेस नहीं समझ आया. शायद बहुत सारे लोग भी आपसे ये पूछना चाहते होंगे. थॉट प्रोसेस नहीं दिख रहा. अगले 25 महीने में हमने 2 दफा वर्ल्ड T20 खेलना है. बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं. 2 वर्ल्ड T20s एक साथ ऊपर तले आ रहे हैं. तो मुझे कोई एक थॉट प्रोसेस नहीं दिखा कि हम फॉरवर्ड थिंकिंग करना चाह रहे हैं या हम अपने सीरीज को ये इंग्लैंड के सीरीज दे के उनको खुदाफिस करना चाहते हैं. क्या क्या प्लान है आप लोगों के माइंड में? देखिए सर, मेरा पहले तो आपका क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसलिए कि मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी था और मेरे पास बिल्कुल आंसर भी था इसके लिए कि मैं प्रिपेयर हो गया था कि ऐसा सवाल जरूर होता है. क्योंकि ऐसे सवाल मेरे मुताबिक भी बहुत हुए. जब मैं एक सीनियर प्लेयर था तो मुझे भी कहते थे जी कि ये हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए. मैं ये समझता हूँ कि अगर मोहम्मद हफीज जिस तरह कल ये मैचेस खेले हैं, हम क्या नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह के प्लेयर, ये इस तरह की इनिंग्स हमारे लिए हर मैच में खेले. अगर मोहम्मद हफीज यही फॉर्म, यही फिटनेस और इम्प्रूव करे, यही स्किल अपने और इम्प्रूव करे, यही जो कल उन्होंने इनिंग खेली है, यही जो उन्होंने ऑलमोस्ट 160-170-190 स्ट्राइक रेट से मैच के अपनी इनिंग खेली है, अगर ये 200 और 250 के स्ट्राइक रेट से खेले और अगले 10 साल तक खेले, तो हम क्यों उसको बाहर करना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ से मैं काउंट करूँ तो वर्ल्ड T20 से पहले हमारे पास कोई 20 से 21 मैच होंगे हमारे पास खेलने के लिए. अगर हम ये काउंट करें तो मेरे ख्याल से 20+ मैचेस हमें मेरे ख्याल से शायद मिलेंगे हमें. तो अगर उन 20 मैचेस में और उसके बाद अगर 10 से 15 मैचेस और वो फिटनेस मोहम्मद हफीज या शुएब मलिक वो कर लेते हैं और वो खेल सकते हैं, तो हम क्यों उनको बाहर निकालना चाहेंगे? लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम बाजू का ये चीज मिस कर जाते हैं. हम समझते हैं कि जी यंगस्टर ले आए या हमारे एक जो थॉट प्रोसेस बाजू का ये होता है कि जी नहीं होने चाहिए प्लेयर, सीनियर नहीं होने चाहिए, सारे जूनियर. मैं भी समझता हूँ कि T20 में बिल्कुल यंग ब्लड होना चाहिए. लेकिन आप अगर मुझे बताएंगे आज इसकी क्या गारंटी कि कोई भी जो यंग प्लेयर है वो आएगा, और अगर वो आए और वो अगले 5, 6, 7, 8, 10 मैचों में परफॉर्म नहीं करे तो क्या हम उनको कंटिन्यू खिलाएंगे? तो हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उस प्लेयर को पिक करें जो के लॉन्गर वर्जन. ठीक है, हम समझते हैं कि हम अगर आज अपने यंगस्टर को हम सिलेक्ट कर लें और हम इसकी कोई गारंटी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जाके अगले 20 मैचों में परफॉर्म करेंगे. तो ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. मैं ये समझता हूँ कि अच्छी टीमें तब बनती है जब आपके पास कुछ सीनियर प्लेयर होने चाहिए, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में. आप देख लें हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं आज, क्योंकि हमारे पास, हम समझते हैं कि इस टीम में मिसबाह उल हक जैसे प्लेयर नहीं है, यूनस खान जैसे प्लेयर नहीं है, उनको और क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, दोनों क्यों चले गए. इसी तरह अगर मैं श्रीलंका में चला जाऊं तो हम बात करें कि संगाकारा के जाने से, महिला जयवर्धने के जाने से वो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि हम उन प्लेयर को रखें जो कि साथ में यंग ब्लड भी साथ आपके चलता रहे, और वो सिर्फ T20 में नहीं है, वो वनडेज में भी है, टेस्ट क्रिकेट में भी है, और साथ में वो एक बैलेंस टीम बनाए जिससे आपकी टीम कंट्री भी जीते. क्योंकि जब आपकी नेशनल टीम हारती है तो बहुत सारे मसले मसायल शुरू होते हैं. तो इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीमें जीते भी और साथ में यंग ब्लड जो है ना वो डिसेंट टाइम में इंडक्ट होता रहे. जी नादरा, देन एहसान, आप प्लीज शायद के पे क्वेश्चन करिए. जी नादर, आवाज आ रही है आपको? ओके जी, हसन आप प्लीज क्वेश्चन कर लीजिएगा. नादर, थैंक यू रजा भाई. यूनुस भाई, शायद हाशमी साहब का नेट नहीं चल रहा तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. उन्होंने जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसके फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर्स 2326, 236 और 273,
वो कह रहे हैं हमारे फर्स्ट इनिंग स्कोर्स थे, तो ओवरऑल इस परफॉर्मेंस से टीम की क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं, गुस्से में हैं या आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं गुस्से में भी नहीं हूँ, सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ, डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं हूँ, क्योंकि वजह यह है कि हम, मैंने जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है इन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस था कि मैं फर्स्ट टाइम फुल बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच आप कह सकते हो कि मैं भी खुद लर्न करना था कर रहा था। लेकिन अगर मैं यही बात कहूँ कि अगर हम इन इनिंग्स को जो अगर हम इंग्लैंड की भी देखें तो इंग्लैंड की भी ही इतना ही ऑन एंड ऑफ रहा। अगर हम पहली इनिंग की बात करें, पहले मैच की पहली इनिंग की बात करें तो वहां पे हमने लीड ली वहां उनसे। उसके बाद अगर सेकंड मैच की बात करें कि दो के वहां पे 200 प्लस रन बने, लेकिन अगर वो मैच वहां होता जिस तरह का बॉल हो रहा था तो इंग्लैंड की टीम भी जिस तरह के चार आउट 100 पे 4 आउट थे और जिस तरह बॉल सीम एंड स्विंग हो रहा था तो हो सकता था कि वो भी अराउंड 200 ही करते। अगर हम फिर आखिरी मैच की बात करें तो वो एक ऐसा मैच था जिसमें जैक क्रॉली की जो है फैंटास्टिक इनिंग हमारे सामने आई और उसमें उन्होंने हमारे खिलाफ एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इन प्लेयर्स को और टाइम दिया जाए, इन पे और काम किया जाए, और सबसे मेन बात जो है जो हम बात कर रहे हैं असद शफीक जैसे प्लेयर्स को, अजहर अली जैसे प्लेयर्स को, बाबर आजम जैसे प्लेयर को हमने बिल्कुल ही वो कहते हैं कट ऑफ नहीं करना। क्योंकि अगर मैं अजहर अली की बात करूं, उसके बाद मैं खासतौर पर असद शफीक की बात करूं, तो देखिए 70 प्लस मैचेस वो खेले हुए हैं, टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं। और अगर हम उनको अभी हम ये कहते हैं जी कि उन्होंने एक दो साल से परफॉर्म नहीं किया, मेरे ख्याल से अगर हम ये सोचें कि हम फिर एक प्लेयर लाएंगे, ठीक है, हमें मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि यंग प्लेयर आपके पास, यंग ब्लड आपके पास इंडक्ट होना चाहिए राइट टाइम पे, लेकिन अगर हम उन पर थोड़ा सा काम कर सके और वो दोबारा खड़े हो जाए तो उनके पास ऑलरेडी इतने अरसे का एक्सपीरियंस है। और असद शफीक का मेरे ख्याल से डेब्यू भी 2008-2009 का डेब्यू है मेरे ख्याल से उनका, उन्हीं दोनों को, तो उनको ऑलमोस्ट 10-11 साल हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से उनका पाथवे थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, अगर वो हो जाए तो और वो परफॉर्म करते तो हम सबको खुशी होगी उनपे। जी प्लीज, नेक्स्ट है अशोक चौधरी, गफार, अकबर एंड हाफिज शबाज। जी यूनुस भाई, माशाल्लाह आपका तजर्बा तो अच्छा रहा है। अब ये आप बता दें कि आप फुल टाइम पर पाकिस्तान टीम की बैटिंग कोच करने के लिए तैयार हैं, और दूसरा ये कि जो आखिरी T20 मैच है, क्या उसको विनिंग नोट के साथ आप इस सीरीज को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, आपके वो कहते हैं ना वो घी शक्कर वाली बात आपके मुंह में कि हम इसको विनिंग नोट पे फिनिश करें तो क्या ही बात है। और हमेशा यही होता है कि वो बाजुकात हमने ये कॉल सुनी और हर जगह ये सेंग होती है कि स्टार्ट करने में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना फिनिश करना इम्पोर्टेंट होता। तो क्या ही बात है, कल हम जिस तरह इंग्लैंड से हम हारे, उसी तरह अगर हम हमारे प्लेयर्स आके परफॉर्म कर दें तो क्या ही बात होगी। और जहां तक मेरी बात है तो मुझे जब भी मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इंशाल्लाह जैसे मैं बार बार कहता हूँ मैं आपको यही नजर आऊंगा और इन्हीं रोल्स में इंशाल्लाह जरूर जरूर नजर आऊंगा दोबारा। जी गफार। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। यूनुस भाई, आप जलमी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मुझे एक छोटा सा वो चीज याद है, उस पर बात करिए, जिन प्लेयर से सीखना होता है, मुझे याद है डेविड मिलान, उस पर इंग्लैंड टीम में नहीं खेलते थे, वो आपसे स्वीप मारना सीख रहे थे, जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो मुझे याद है कि वो आपसे सीख के गए थे। और सवाल मेरा आपसे ये है यूनुस भाई कि बहुत मुश्किल हो गई क्रिकेट, तीन फॉर्मेट है, टेस्ट बहुत एक अलग फॉर्मेट है, T20 में अब लोग ये कह रहे हैं और हमने एनालाइज ये किया है कि जो पावर हिटर्स है यूनुस भाई वो एक पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी नहीं कुछ अरसे से है कि हमारे पास वो ऐसे प्लेयर नहीं है जो बहुत तेज रन करें, पोलार्ड है, सैमी जैसे खेलते हैं, जैसे कि मॉर्गन ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, तो आपको लगता है कि पावर हिटर पर हमें काम करना पड़ेगा? दूसरा, बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि हैदर अली और कुलदीप शाह को अब तक मौका नहीं मिला, तो उस पर काइंडली अगर आप कह सकें। थैंक यू। बिल्कुल फार, आपने बिल्कुल सही आपने एक क्वेश्चन भी किया और रिमाइंडर भी दिया, क्योंकि ये प्लेयर जितने भी प्लेयर हैं, इवन जॉय रूट हो गए, डेविड मिलान हो गए, उसके बाद बटलर हो गए, ये प्लेयर कहीं ना कहीं, इवन जॉनी बेरिस्टो हो गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काउंटीज में और कहीं ना कहीं जिस तरह मैं जहां जहां ट्रेवल किया तो ये मेरे साथ रहे हैं,
और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं चाहे पाकिस्तान की टीम के लिए खेलूं, पाकिस्तान की मैं डोमेस्टिक खेलूं, या इवन मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूं या काउंटी गया, तो वहां पे मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं इनको सर्व कर सकूं, लाकर यंगस्टर। तो बाद को ये जब मेरे पास आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं सामने, तो मुझसे पूछते हैं जी आप यूनुस भाई ये स्वीप शॉट कैसे खेल लिए, कट शॉट खेल रहे, तो मैं ना चाहते हुए मैं बाजू का उनसे बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो ओपोनेंट टीम होती है तो हम चाहते हैं कि परफॉर्म ना करें, लेकिन एज ए यंगस्टर आपको भी इनको ये चीजें फिट करनी होती है, और आप कोई जॉय रूट आपके पास आ जाए तो इंग्लैंड के कैप्टन, तो आप उनको क्या, और वो कह दी कि मैंने कट शॉट पे मैं क्या करूं, तो आप नहीं अपने आप को होल्ड नहीं कर सकते, तो बाज़ बात ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। मेरे ख्याल से जहां तक पावर हिटिंग की बात है, तो अगर हम हैदर अली की बात करें, जैसे मैंने खुद आपने दो तीन दिन पहले देखा होगा, और हैदर अली ने खुद भी ये मेंशन किया, मैंने बहुत सारा काम किया उनकी उनकी बेस पे बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि उनको अगर हम उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस देखें तो, और इवन फर्स्ट क्लास की परफॉर्म देखें तो उनके उनके पास वो शॉट्स मौजूद है जो कि एक पावर हिटिंग कर सकते हैं, और उनके साथ मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, उनकी मैंने उनकी ड्राइव तो वे जबरदस्त थी, मैंने कोशिश की कि उनके कट और पुल शॉट्स पे भी मैं उनको गेम में लाऊं, और खासतौर पर जब, क्योंकि बाजूकात एज अ यंगस्टर हम समझते हैं कि सिर्फ हार्ड हिटिंग ही क्रिकेट है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अगर हम अगर अगर किसी बैट्समैन यंग बैट्समैन ने टॉप का क्रिकेटर बनना है, टॉप का बैट्समैन बनना है, तो उसको चारों तरफ अपने शॉट्स बनाने पड़ते, जैसे हमने हमें दिखाया, ए एन मॉर्गन ने दिखाया, उन्होंने जिस तरह के लास्ट कल की इनिंग है उनकी, उन्होंने सिर्फ लेग स्टैम पे ही शॉट्स नहीं खेले, उन्होंने फ्रंट ऑफ जो है ना स्क्वायर पे भी उन्होंने बहुत सारे शॉट्स खेले। इसी तरह खुशदिल शाह है, वो भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, उनके साथ भी यही काम किया कि उनकी मैंने उनके साथ काम किया कि उनके गेम में भी मैं ऑफ स्टम्प खास लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर और गली और पॉइंट का एरिया भी उनके गेम में लाऊं, तो ये वो काम है जो हम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जैसे जैसे इनको मौका मिलेगा तो ये आपको उस रोल में नजर आएंगे कि पावर हिटिंग जो पाकिस्तान के जो रिसेंट पास में लैग करती है, ये आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को सर्व करेंगे जब भी इनको मौका मिलेगा। बिल्कुल बाज़ुकात हम कह सकते हैं कि बाज़ुकात ऐसे जब आप क्योंकि आसान नहीं था, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि ये इन प्लेयर के लिए इनकी इन प्लेयर की बड़ी एफर्ट है कि डे नाइट क्रिकेट खेलना और ग्राउंड में ही रहना, दो के वो ठीक है जी, वो ग्राउंड में होटल्स होते हैं, फैसिलिटीज बहुत जबरदस्त थी, जिम मौजूद थे, खाने की कोई इतने जो मील्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, और आपके पास हर फैसिलिटी मौजूद, लेकिन बाजूकार अब इन मैं ये कह सकता हूँ कि इन प्लेयर को जो है मैं सलाम करता हूँ कि ऑलमोस्ट दो महीने से ज्यादा हो गए और ये कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि पता नहीं प्लेयर क्या डिप्रेशन में चले गए, बहुत मुश्किल के लिए। मेरे ख्याल से इनकी और इनकी फैमिलीज के लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं बात करता हूँ कि मैं हैट्स ऑफ टू देम कि इन्होंने आए और इतने अरसे से जो है ना वो दो के तीन चार महीने अगर हम पीछे देखें तो कोई घरों से निकले भी नहीं और यहाँ के अगर ट्रेनिंग की और रोज रोज वो चीजें की, तो मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादा एफर्ट है इन सब के इन सब प्लेयर्स की। और जहां तक कोई पैनिक बटन की बात है कि जब भी आप आउट जब आप टूर्स पे हारते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंसान है, हम इंसान है, बाजुकात ये होते हैं कि आप इतना ज्यादा मेहनत करते हो, जब बाजुकात वो रिजल्ट आपकी तरफ नहीं तो थोड़ा सा पैनिक बटन ऑन होता है, लेकिन एंड में हमारे ग्रुप में ऐसे करेक्टर्स हैं वो जो कि मैनेजमेंट भी हैं और टीम में भी है, जिनको जो कि फ्रंट पे आते हैं और वो चीजों को थोड़ा सा कूल करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कल का मैच जीते और जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस है, जो थोड़ी बहुत बाजुकात वो डिप्रेशन आती है, तो वो खत्म इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन करने का, हमारा एक सेशन है इसके बाद, तो प्लीज कल फिर आपसे शाम को प्री मैच के बाद मुलाकात होगी सबसे। थैंक यू।